कभी कभी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या हमारे आसपास वही समाज है जिसकी हम कल्पना करते हैं, या फिर ये समाज दोहरा चेहरा लगाए हुए है? क्या हमारे आसपास के परिवेश में हमारी छोटी बेटियां, छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, जो घर के बाहर मैदान में खेलती हैं, जो शायद हमारी नज़रों से थोड़ी बहुत देर के लिए ओझल हो जाती हैं, वह सुरक्षित हैं? एक घटना है जिसने एक बार फिर दिल को चाक कर देने का, दिल को दहला देने का काम किया है। एक तरफ बुधवार को जहां पूरा देश ईद की खुशियां मना रहा था, हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, वहीं अलीगढ़ में एक 3 साल की बच्ची का शत विक्षत शव बरामद हुआ। जिसने भी यह नज़ारा देखा उसका दिल पसीज गया। इस बच्ची के साथ क्या हुआ था ये तो लोग नहीं जानते, लेकिन शंका के आधार पर लोग विरोध करने लगे, आक्रोशित होने लगे। लोगों ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की और पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनसे अब ये जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस बच्चे के साथ हुआ क्या था। वहीं सोशल मीडिया पर जब यह खबर फैली तो लोगों ने इस खबर को सबसे ज़्यादा शेयर करने की कोशिश की। लोगों ने ट्विंकल को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही साथ आरोपियों को कड़ी सजा देने की भी मांग की। यह सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ, जहाँ इस घटना ने एक बार फिर बीते साल कश्मीर के कठुआ में हुई रेप की घटना को याद दिला दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध भी किया। स्थानीय निवासी से मिली जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के कानूनगो मोहल्ले की बच्ची 4 दिन से लापता थी, जिसका बाद में शत विक्षत शव पाया गया। मृतक बच्ची के परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया और आक्रोशित होकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय विधायक भी पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। बच्ची के शव को बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शिकायत के मुताबिक बच्ची 4 दिनों से गायब थी और पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद भी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई थी। इस बीच बच्ची के परिजन लगातार बच्ची को ढूंढने की कोशिशें कर रहे थे। इसी दौरान इलाके में कुछ आवारा कुत्तों को एक बच्ची के शव के साथ देखा गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पास जाकर देखने पर पता चला कि ये शव उसी बच्ची का था जिसे कुत्तों ने नोच नोच कर पूरी तरह शतविक्षत कर दिया था। अलीगढ़ के SP ने इस केस की जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के संबंध में अपहरण का केस दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्ची की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। रेप का फिलहाल कोई सबूत नहीं पाया गया है। यह मामला निजी दुश्मनी का है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची की हत्या कर उसके शव को जमीन में गाड़ दिया गया था, जिसके बाद वहां कुत्तों ने उस शव की ये हालत कर दी। इधर ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर चक्का जाम किया और विरोध किया। तो ये घटना थी अलीगढ़ की, जिसके बारे में जिस किसी ने भी सुना आक्रोशित हो उठा, आरोपियों को सजा देने की मांग करने लगा। आंखों में आंसू है, कलेजा द्रवित है कि आखिर उस मासूम का कसूर क्या था। ट्विंकल के लिए आज देश न्याय की मांग कर रहा है और साथ ही साथ हम भी ये मांग कर रहे हैं कि जिस किसी भी दरिंदे ने उसके साथ ये हरकत की है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पुलिस जांच करे और जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ हम समाज में ऐसा माहौल बनाने की भी कोशिश करें जिसमें हमारी बेटियां अपने आसपास, अपने घर के बाहर भी सुरक्षित महसूस कर सके। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।